हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजस्थान का स्पेशल दाल बाटी चूरमा। हमें ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे दाल। तो मैंने यहाँ पर 5 तरह की दालें ली हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें एक एक करके सारी दालें डाल देंगे। मैं इसमें 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। दो ग्लास पानी डालने के बाद हम इसे भीगने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारी दाल भीग रही है, तब तक हम चूरमे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो आटे के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसमें अब मैं डालूंगी आधा कटोरी सूजी। सूजी डालने से हमारा चूरमा बहुत ही अच्छा बनता है, दानेदार। और फिर मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच मलाई। आप मलाई की जगह घी भी यूज कर सकते हैं, बट आप एक बार मलाई से अगर बना के देखेंगे तो आपको ये चूरमा और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टाइट आटा लगाएंगे। हमें ज्यादा सॉफ्ट आटा नहीं चाहिए, ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा सॉफ्ट, बट हम जैसे रोटी बनाते हैं उसे थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट डो तैयार कर लूंगी। ये देखिए, हमारा डो बनकर तैयार है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, अब हमारी दाल अच्छे से फूल गई है, हमने इसे वॉश कर लिया है। अब हम इसे कुकर में चढ़ा देते हैं बॉईल करने के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुकर में 3 ग्लास पानी लिया है और अब मैं इसमें दाल डाल दूंगी। मैंने दाल का पानी निकाल लिया है और अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। तो ये आधा चम्मच नमक डाल दिया मैंने और आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। और अब इस कुकर को ढक्कन लगाकर गैस पर रख देंगे और इसमें 3 से 4 सीटी ले लेंगे। ये देखिए, हमारे डो को अब 20 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसके पेड़े बना लेते हैं। मैं यहाँ पर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। मैं इसके सिर्फ 2 पेड़े बनाऊंगी, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करके इसके पेड़े बना लेंगे और जो लास्ट में इसका ये पार्ट होता है, इसे इस तरह से हम दबा देंगे और अच्छे से हाथ से घुमाकर इसके जॉइंट्स को दबा देंगे। इस तरह से ये जो जॉइंट है, इसे भी हम दबाकर थोड़ा सा तोड़ देंगे और इसे अच्छे से दबा दबा कर इसका पेड़ा बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसके सारे जॉइंट्स को दबा दिया है। इसी तरह हम दूसरा पेड़ा भी बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने दूसरा पेड़ा भी बना लिया है। अब जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें हमारी बाटियां रखेंगे। ये देखिए, अब हमारा ओवन गर्म हो चुका है। हम इसमें चूरमे की बाटियां रख देंगे। और इसे थोड़ी देर के लिए हम खुला रखेंगे। जब इसका कवर थोड़ा सा व्हाइट कलर का हो जाएगा तब हम इस पे ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से पकाएंगे।
ये देखिए अब बाटियों का कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम इसको ढककर अच्छे से पकने देते हैं। हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और दूसरी तरफ हम अब बाटी की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए बाटी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 कटोरी आटा, 1/4 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच क्रश किया हुआ धनिया, 2 चम्मच मलाई और आधी कटोरी बेसन। बेसन डालने से बाटी का टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए हम यहाँ पर बेसन यूज कर रहे हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम इस आटे में डालेंगे बेसन, नमक, धनिया पाउडर, क्रश किया हुआ धनिया है ये, आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, पर क्रश धनिया से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये अजवाइन, अजवाइन को हम हाथ से क्रश करके डालेंगे। इस तरह से आप दोनों पाम के बीच में से रब कीजिए और ऐसे इसमें डाल दीजिए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मलाई, आप यहां भी घी का यूज कर सकते हैं, बट मलाई डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं यहां पर मलाई यूज कर रही हूं। अब हम इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और फिर इसका डो तैयार करेंगे। जैसे हमने चूरमा बाटी का डो तैयार किया था, उसी तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका भी डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा बाटी का डो भी अच्छे से तैयार है। अब हम इसे भी सेट होने के लिए 20 मिनट तक रख देंगे। ये देखिए हमारी चूरमा बाटी का भी कलर अब चेंज हो चुका है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी हमारी बाटी अच्छे से सिक रही है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। हमें इसे स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से कुक करना है और दोनों तरफ से जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे सेकेंगे। फिर से ढक्कन लगा देते हैं। जब तक हमारी चूरमा बाटी तैयार हो रही है तब तक हम इस बाटी के भी पेड़े तैयार कर लेते हैं। इस आटे को हमें 20 मिनट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम इसके जॉइंट्स को निकाल देंगे और फिर इसे इस तरह से दबा के राउंड शेप दे देंगे। मैं यहां पर इस साइज की बाटी बना रही हूं। इसी तरह हम सारी बाटियां बनाकर तैयार कर देंगे। ये देखिए हमारी चूरमा बाटी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और हमारी बाटियों को सिकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए अब हमारी चूरमा बाटी बनकर तैयार है। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट के ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी बाटियां सिक रही हैं तब तक हम दाल को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहां पर एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं तेल डालूंगी। तेल को गर्म होने देते हैं। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाले,
ये बड़ी इलायची, बड़ी इलायची को हम थोड़ा सा ब्रश करके डालेंगे। दो लौंग और कुछ काली मिर्च के दाने। आप इसमें अपनी पसंद से और गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कम डाल रही हूँ। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक बारीक कटा हुआ, लहसुन ये भी मैंने बारीक काटा हुआ है, और हरी मिर्च, इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। ये देखिए हमारी प्याज का कलर अब चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, और अब टमाटर गले तक हम इसे पका लेंगे। अब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आधी चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी, क्योंकि हमने हल्दी पहले भी डाल दी थी तो मैं ज्यादा हल्दी यहाँ नहीं डालूंगी। अब इन मसालों को अच्छे से पकने देते हैं। अब हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें हमारी उबली हुई दाल डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल हमें थोड़ी सी थिक लग रही है तो मैं इसमें आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ, और इसे अब हम बॉईल कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी दाल ठीक हो गई है, ज्यादा गाढ़ी नहीं है। अब हम इसे थोड़ी देर बॉईल करेंगे। ये देखिए हमारी बाटिया भी तैयार हो चुकी है। आपको जो ये क्रैक्स दिख रहे होंगे, ये बाटी का एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर ऐसे क्रैक्स आपकी बाटी में आते हैं, इसका मतलब है आपकी बाटी अंदर से अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम ये बाटी को निकाल लेते हैं और इसे घी में डिप करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर घी लिया है, अब हम बाटियों को हम इसमें डिप करेंगे। तो मैं पहले बाटी को इस तरह से हाथ से दबाऊंगी और इसे ऐसे डिप कर दूंगी, और फिर किसी दूसरे बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी बाटियां भी हाथ से ब्रेक करेंगे और इस तरह से डिप करके निकाल लेंगे। ये देखिए अब हमारी बाटियां बनकर तैयार है। अब हम दाल के लिए दूसरा तड़का तैयार कर लेते हैं। ये देखिए अब हम दूसरा तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन में 2 चम्मच घी गरम किया है, और उसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी सूखी लाल मिर्च और
ये कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच। तो गैस हमने बंद कर दी है। अब हम इस तड़के को दाल में डाल देंगे। ये देखिए हमारी दाल भी अब अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। और अब इसके ऊपर जो हमने तड़का बनाया था वो डाल देंगे। तो ये हमारी दाल भी बनकर तैयार है। ये हमने ढाबा स्टाइल दाल बनाई है। अब हम चूरमा बना लेते हैं। अब हम चूरमा बनाएंगे। तो चूरमा बनाने के लिए मैं ये बाटियों को इस जार में डाल दूंगी और फिर हम इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मैं यहाँ पर ग्राइंडर की हेल्प से इसे ग्राइंड कर रही हूँ। आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से भी कूट कर छान कर इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए मैंने बाटियों को अच्छे से पीस लिया था और अब हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। मैं यहाँ पर 1.5 कप पाउडर शुगर यूज कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे नारियल और इलायची का पाउडर। मैंने इन्हें मिक्सर में ग्राइंड किया था। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले 1/2 कप घी डाल रही हूँ। इसके बाद अगर हमें कम लगेगा तो हम और ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। अब हमें इसमें थोड़ा सा घी और डालना है क्योंकि हमें ये सूखा हुआ लग रहा है। तो मैं इसमें 2 चम्मच घी और डाल रही हूँ। अगर आप कम घी खाना पसंद करते हैं तो आप कम घी डालिए। बस चूरमे में जब तक अच्छे से घी नहीं डलेगा तब तक हमारा चूरमा भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए आप जब इसे बाइंड करें तो इस तरह से ये चिपक जाना चाहिए। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काजू, बादाम और पिस्ता। आप अपनी चॉइस से और भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अब हमारा दाल बाटी और चूरमा तीनों चीजें बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा दाल बाटी चूरमा बनकर तैयार है। ये राजस्थान का फेवरेट फूड है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप भी इसे जरूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये राजस्थानी डिश कैसी लगी। और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।